राजस्थान की पावन भूमि गांव न्यावतपुर में चल रहा है। इसका रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान देवेंद्र जी मुड़िया कठुमर अलवर से, और जो ढोलक पर संगति दे रहे हैं भाई सुरेंद्र सिंह नगला पछांदरा भटपुर राजस्थान से, और पेड़ की धनकार दिखा रहे हैं भाई मुरारीलाल फूटेला भोता मथुरा से। आपके सामने चिकड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह नगला सीखम भटपुर राजस्थान। आइए एक और चिकड़ी का धमाका। I'm not
बोले हिंद के जयकारे, जन पूछ बुझाई लई पानी में, जन जान बचाई लई पानी में, दोनों योद्धा बने भाल के, देखो चंदन है एक तो पूछ वाला है। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुनील जी पंडित जी देते हैं हमारे लिए। और कबीरा जी क्या लिख रहे मासा, इक्यावन रुपए का पुरस्कार श्रीमान जयपाल जी सोनारी वाले। और 51 रुपए का पुरस्कार रूपचरण मासा जी देते हैं हमारे लिए। रूप देख के मोई तह गयो, कर गयो काम सवारी। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान नवाब सिंह चार साहब देते हैं हमारे लिए। रूप देख के मोई तह गयो, कर गयो काम सवारी। हरी कहे जी नानो बारो जाकी अकल गई ये मारी, अकल गई ये मारी। और 51 रुपए का पुरस्कार लच्छी जी सैनी जी देते हमारे लिए। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हरिओम जी मेंबर साहब देते हैं। और भैया जी क्या लिख दिया, योद्धा जाने जर
तेरा मूड से खोयो नारी अहिल्या के चक्कर में, नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो हरि कहे फिर नानू बार तू
करके मोयो अरे अहमद साहब मोबाइल दहली में मुड़ पकड़ के मोयो। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे दादाजी जगराम जी धरसोनी वाले दे रहे। और क्या कह दिया मोदी जी ने देश का झंडा घर घर में लहराया। अरे मोदी जी ने देश का झंडा घर घर में लहराया। घर की बिल्ली बन गई दिल्ली घर की बिल्ली बन गई दिल्ली ऐसा भूत उतारा आज जीरो समय के अनुसार गाना और गाना भी मास्टर जी जब गाने वाली बात चल रही है इधर तो राजा शांतनु सत्यवती से मिलने के लिए जा रहे हैं उधर में जैसे आपकी समाज लगी है ना ऐसे संतों का दरबार लगा था वहां पर एक प्रश्न आया ये बताइए कामदेव को किसने बस में किया है। जय मुर्सी ने हाथ ऊपर कर दो का कामदेव को मैंने बस में किया है। व्यास मुनि कह रहे चुप बैठ जा कामदेव को किसी के बस में नहीं हुआ। के नहीं मैं देवताओं का साक्षी मान के ये प्रतिज्ञा करता हूँ ये दावा करता हूँ कामदेव को मैंने बस में किया है। जय मुर्सी बाप पे चले गए पे कुटिया पे मालाएं फेर रही। व्यास मुनि कह रहे या तो अहंकार है गो न हो तो या को अहंकार दूर करना चाहिए। एक स्त्री का रूप बना लिया व्यास मुनि ने और वही कुटिया पे पहुंच गए कहां यहां जयमुन ऋषि भजन कर रहे थे माला फेरते। रात्रि का समय जयमुन ऋषि से कह रही है वो स्त्री के बाबा आज की रात में तुम्हारी कुटिया पे ठहरना चाहती। जयमुन ऋषि कह रहे कहूं मैं परीक्षा तो ना ले रही कोई माया तो ना है जी। व्यास मुनि स्त्री के रूप में कह रहे का बाबा मैं कहां जाऊं रात्रि के समय। जयमुन ऋषि कह रहे का बेटी तू यहां नहीं ठहर सकती का नहीं बाबा मैं तो यही रहूंगी आज की रात। तो जयमुन ऋषि कह रहे देख दो सामने भाई कुटिया में चली जा कोई आवा तो कुंडी ना खोलनी चाहे अपन नाम जयमुन ऋषि क्यों नहीं बतावे। व्यास मुनि कुटिया के अंदर है जयमुन ऋषि भाई मालाएं फेर रहे। व्यास मुनि ने अपना खेल शुरू कर दिया गाना बजाना नाचना शुरू हो गया कुटिया के अंदर। गाने बजाने में मेरे विद्वान श्रोता विद्वान लोग बताते हैं वो शक्ति है कोई बीमार आदमी अगर इस संगीत को सुन ले बाकी आदि बीमारी खत्म हो जाए। अब जयमुन ऋषि को मन ना लग रहा माला फेर में क्यों गाना चल रहा है व्यास मुनि का स्त्री के रूप में कहना लगे हरि में ध्यान लुप्त भाव ज्ञान समाय गई बाला। और जयमुन चले मड़ी के फेंक दई जाने जयमुन ऋषि ने माला फेंक दई और वही कुटिया में पहुंच गो कहां जो व्यास मुनि स्त्री के रूप में। और एक बात कह रहे क्या कह रहे मासा और 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान निरंजन जी नेताजी मुड़िया वाले देते हैं हमारे लिए। हाँ बूढ़ी वाले देते हमको तो मुड़िया समझ गए। और भैया जी जयमुन ऋषि क्या कह रहे अरे प्राण न प्यारी नारी डाल गलवैया है प्राण न प्यारी नारी डाल गलवैया है भीतर तक कुंडी खोल पड़ी कर जिगर में बस रही
नेताजी दर्शौनी वाले दे रहे जय मुर्सी चढ़ गए का छत पे काम दे भाई इतना आग लगावे बोले नहीं उतर गोरी है ऊपर चढ़ के छत मड़ी की मर्ची मटा भोरी है नीचे को गए लटक के भोरी मड़ैया है जय मुर्सी ने छोटो सोई छेद करयो जल्दी सी न बवरी गो आप जैसे विद्वान लोग बता देंगे जय मुर्सी या जगह फसेगो न तो प्यारो नीचे उजाए रहो न ऊपर उगाए रहो नीचे से जवाब मिला के कुआ कमी जय मुर्सी व्यास मुनि कह रहे तू कोई जय मुर्सी का पहले तो तू समाज में जो करो काम देव तो मैंने बस में किया है अब को लटके रहो और मां साहब कबीरा जी क्या लिख रहे और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान महेंद्र सिंह नेताजी उड़ी वाले देते हमारे लिए और भैया जी क्या लिख दिया था लिखे घन श्याम के जीतू गवैया